poses a common challenge to both our countries. We recognized that close relationship between Pakistan and Iran are not only imperative for shared prosperity and development of our two peoples, but also an important source of stability for the region. दहशतगर्दी दोनों ममालिक के लिए चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों की जरूरत है। निगरा वजीर खारजा की ईरानी हममनसब के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान ईरान से मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को वसअत देना चाहता है। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्हान ने कहा दहशतगर्द दोनों ममालिक और खित्ते के लिए खतरा है। पाकिस्तान ईरान के दरमियान किसी किस्म का सरहदी तनाजा नहीं। तीसरा मुल्क दहशतगर्दों को सहूलत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुकदम है। दोनों ममालिक दहशतगर्दों को किसी किस्म का मौका नहीं देंगे। मुश्किलात आर्जी हैं, मसाइल हल हो जाएंगे। किसी को पर्चा नहीं दर्ज करवाएंगे, पहली बात अरेस्ट नहीं कराएंगे अगर उसे तनकीद सिर्फ की है, ठीक है। आप कुछ और कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या चीज़ें, हमें तो नहीं पता है, मगर ये बात और बिलखसूस जर्नलिस्ट, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ प्रेस स्पीच लिखा है, फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस लिखा है, तो दो दफा आता है आर्टिकल 19 में, उसकी जरा अहमियत बढ़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट का सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। सहाफियों पर तशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई पर रिपोर्ट दो हफ्ते में तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क में कहा कि तनकीद करना हर शहरी और सहाफी का हक है। गालम गलोच अलग बात है, लेकिन FIA तनकीद के बिना पर कार्रवाई ना करे। हुकूमत सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई करके मेरा नुकसान कर रही है। कब तक माजी की गलतियों को दोहराते रहेंगे? हमें सच बोलना चाहिए। यहाँ मट्टी पाओ निजाम चल रहा है। अगर हमसे गलती हुई तो उंगली उठाए, जब तक किसी को काबिल एहतसाब नहीं ठहराएंगे ऐसा होता रहेगा। तनकीद करेंगे तो इस्लाह होगी। मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं। अदरिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। चीफ जस्टिस ने आइंदा समाअत पर अरशद शरीफ केस भी सुनने का इंदिया दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अदालती फैसले पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, जमान का इस्तेमाल मोहतात होना चाहिए। जस्टिस मुरसलत हिलाली ने कहा कि सोशल मीडिया ने इदारों को बहुत नुकसान पहुँचाया। गाली देकर पैसे कमाना लोगों का जरिया माश बन चुका है। समाअत कल तक मुलतवी। खुसूसी अदालतों के केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक ने दरख्वास्त गुजार के एतराज पर बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली। बेंच की दोबारा तश्कील का मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। डिप्टी स्पीकर रूलिंग के सुप्रीम कोर्ट ने असद कैसर और कासिम सूरी की नजरसानी दरखास्तें खारिज कर दी। कहा डिप्टी स्पीकर रूलिंग फैसले के खिलाफ नजरसानी की कोई बुनियाद नहीं बनती। जस्टिस जमाल मंदुकेल ने कहा गलतफहमी पैदा की गई कि अदलिया पार्लियामेंट के उमूर में मुदाखलत नहीं कर सकती। जहाँ आईनी खिलाफ वर्जी हो वहाँ सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मामला देख सकती है। इलेक्शन 2024 में 10 दिन बाकी, मुल्क में सियासी जोश खरोश बढ़ गया। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम तेज, शहर शहर जलसे, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स। पीपल्स पार्टी ने जिला कोरम में मैदान सजा लिया, बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून का राजनपुर में पावर शो, शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। नवाज शरीफ अनारकली PP 173 में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। कराची में इंतखाबी गहमा गहमी के दौरान खूनी तसादुम। नाजिमाबाद में पार्टी परचम लगाने पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। मुश्तैल अफराद ने दो गाड़ियों को भी आग लगा दी। हम मल्टी चौक पर पार्टी परचम लगा रहे थे, तीन लोग आए, परचम लगाने से मना किया और फायरिंग कर दी। जख्मी राव तलहा का पुलिस को बयान। DIG वेस्ट आसिम कायम खानी कहते हैं कि किसी सियासी जमात की रैली या जलसे में हथियार हुए तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो भी इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस होगा उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। और यकीनन फायरिंग तो हुई है, और फायरिंग हुई है तो फायरिंग के अंदर देखेंगे किस तरफ से हुई है, क्या हुआ है। इसके अंदर यकीनन लीगल एक्शन जो बनता है वो होगा,
और प्रोसेस स्टार्ट भी है। किसी भी रैली के अंदर, किसी भी जलसे के अंदर अगर वेपन देखा गया तो इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह प्रॉपर लीगल एक्शन लेंगे। इस तरह की एक्टिविटीज से किसी भी पार्टी को फायदा नहीं होता, बल्कि दोनों तरफ नुकसान ही होता। डॉक्टर आसिम कारकुन के कत्ल के जिम्मेदार हैं। एमकेएम का डॉक्टर आसिम पर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। मुस्तफा कमाल फट पड़े, कहा मुश्तइल अफराद ने सीधा फायरिंग की। हमारे कारकुनों ने एक पत्थर भी पलटकर नहीं मारा। हमले के वक्त पुलिस मोबाइल मौजूद थी, पुलिस ने उसी वक्त कातिलों को पकड़ा क्यों नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, शहर का अमन खराब किया जा रहा है। मुल्ज़िम को पकड़ना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम एमकेएम कारकुन के कत्ल के जिम्मेदार नहीं, निगरान हुकूमत। नाजमाबाद वाकई की अदालती तहकीकात कराए, सईद गनी का मुतालबा, कहा मुस्तफा कमाल खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। एमकेएम जिला बस्ती को अपनी जागीर समझती है। एमकेएम ने जो किया हर चीज की वीडियोस मौजूद हैं। नाजिमाबाद में हमारे झंडे जलाए गए, बैनर्स फाड़े गए, कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर का चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को खत। गिरफ्तार कारकुनान की फौरी रिहाई और जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई का मुतालबा। लिखा पंजाब पुलिस की गिरफ्तारियों की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है, पुलिस को ना रोका गया तो इस तरह के फासिस्ट हथकंडों में मजीद इजाफा होगा। तारीख की बदतरीन धांधली पूरी दुनिया देख रही है। फसाइयत और जुल्म सितम का तर्ज अमल अब भी जारी है। शुएब शाहीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन के दौरान रुकावटें पैदा की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने हमारे तहफ्फुज़ात पर कान नहीं धरे। पुलिस बोने सियासतदानों के हाथ, कठपुतली ना बने। चीफ जस्टिस हमारी शिकायत का नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट ने जमाल रईसानी के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, जाए जाकर इलेक्शन में हराएं, इलेक्शन कमीशन के मामलों में मुदाखलत नहीं करेंगे। लोगों को गलत फहमी है कि इलेक्शन कमीशन एक मातहत इदारा है, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। आईनी इदारों को इज्जत दें, इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दें। अगर वो काम ना करे तो हम उनसे काम करवाएंगे। मुस्लिम लीग नून हाउस जलाने का केस, सनम जावेद और मोहम्मद तनवीर की दरखास्त जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। सनम जावेद को दहशतगर्दी के एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के थाना शादमान मुंतकिल, सनम जावेद का इलेक्शन से दस्तबरदार होने का फैसला। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में मुल्की और गैर मुल्की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इकतसादी माहरीन के मुताबिक महंगाई के बाईस पॉलिसी रेट में 50 से 100 बेसिस पॉइंट कमी का ऐलान किया गया है। शराय सूद 22% पर बरकरार रहने की तवक्को। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स में 900 पॉइंट से जायद कमी। 63,000 की हद बरकरार ना रह सकी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 62,800 पर आ गया। टैक्स देना हर शहरी के पे फर्ज है और बहुत जरूरी है। टैक्स देंगे तो वो आपके मुल्क के ऊपर खर्च होगा, वो आपके ऊपर ही खर्च होगा। तो टैक्स जो है ना, ये हर जितने जागीरदार हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, वो ईमानदारी से टैक्स अदा करें, तभी ये पाकिस्तान तरक्की। टैक्स अदा नहीं करेंगे तो मईशत कैसे बेहतर होगी। शहरी कहते हैं अमीर तबका और जागीरदार एक रुपया टैक्स नहीं देते। सब टैक्स फाइलर बने और मईशत की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। हुकूमत ने गंदम की कीमत में इजाफे का फैसला वापस ले लिया। गंदम साबका कीमत पर फराहम की जाएगी, नोटिफिकेशन जारी। गंदम अब 36 के बजाय 20 रुपए फी किलोग्राम मिलेगी। गिलगित में अवामी एक्शन कमेटी गुज़श्ता एक माह से सराफा एहतजाज थी। दुबई में उर्दू जबान और अदब से मुतालिक जश्न रेख्ता, शायरों, अदीबों, दानिश्वरों, फनकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। अदबी मेले में उर्दू नसर, शायरी, जबान की तरक्की और तरवीज समेत मुख्तलिफ मौजूआत पर तबादला ख्याल। जश्न रेख्ता में माहिरा खान की भी शिरकत। सभी पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में इजाफा। 2018 के नस्बत 40,88,274 नए वोटर्स हक रायदेही इस्तेमाल कर सकेंगे। सूबे में वोटर्स की तादाद 2,19,28,119 हो गयी।
परवेज इलाही के मोर के इंतखाबी निशान की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत की। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने के कानून के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में पीटीआई और पुलिस में तसादुम का वाकया। मुकदमा सरकार की मुदयत में फरियर थाने में दर्ज किया गया। हंगामा राई, तोड़फोड़, इकदाम में कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। खुर्रम शेर जमान, फहीम खान, सईद आफरीदी और दीगर नामजद। उर्दन शाम सरहद के करीब अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, 3 अमरीकी फौजी मारे गए, मुतादिद जख्मी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक 34 फौजियों में मुमकिन दिमागी चोट का जायजा लिया। सदर बाइडन का फौजियों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान। कहा ड्रोन हमला इराक और शाम में सरगर्म ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करी ग्रुपों ने किया। उर्दन ने हमले की मजम्मत कर दी। हुकूमती बयान जारी। हम्मास ने उर्दन हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत अमरीकी हुकाम के लिए पैगाम है। इसराइल और हम्मास की जंग शुरू होने के बाद अमरीकी अफवाज के खिलाफ ये पहला मोहलिक हमला है। गजा से यरगमालियों की रिहाई के लिए अमेरिका की कोशिशें। अमेरिकी सीआईए सरबरा की फ्रांस में इजरायली, मिस्री और कतरी हुकाम से मुलाकात। इजरायली वजीर आजम हाउस के मुताबिक यरगमालियों की रिहाई के मुहिदे पर बातचीत रवा हफ्ते जारी रहेगी। मुख्तलिफ ममालिक में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज। स्पेन के शहर मैड्रिड में लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। गजा में कत्लेआम फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में भी इजरायली फोर्सेज के खिलाफ मुजाहरा। गजा जंग में शहीद सहाफियों को खराज तहसीन, शमें रोशन की गयी। मुल्क में मौसम के मुख्तलिफ रंग, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मरी में मंजर हसीन, मालम जब्बा और कालाम के हुस्न को 4 चांद लग गए। लोअर दीर, गजर, अपर चित्राल और कश्मीर में पहाड़ बर्फ से ढक गए। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुतादिद इलाकों में बारान रहमत। कराची में भी आइंदा 24 घंटे में हल्की और तेज बारिश की पेशगोई। पंजाब में नमूनिया बेकाबू। 24 घंटे में मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। जहां भाग बच्चों की उम्रें 3 माह से 4 साल के दरमियान हैं। 7 रोज के दौरान मर्ज ने 79 फूलों की जिंदगियां गुल कर दी। सूबे भर में 24 घंटे के दौरान मजीद 801 मरीज रिपोर्ट। भारत के लिए नए पाकिस्तानी नाजिम अलमोर साद बड़ाइच को भारतीय वीजा मिल गया। साद बड़ाइच सिफारती जिम्मेदारियां संभालने जल्द दिल्ली रवाना होंगे। इस्लामाबाद और दिल्ली ने सिफारतकारों को बैक वक्त वीजे जारी किए।